तो ये हमारे चिप्स और फ्राइंग तैयार हो गए हैं, और आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा और देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितने कुरकुरे बने हैं। तो अक्सर हम इन्हें खरीद लाते हैं मगर इनको तलते नहीं हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, मगर आज हमने इन्हें बनाया है बिना तले रोस्ट करके, और वो भी हमने इन्हें बिना माइक्रोवेव के रोस्ट किया है। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो इस तरीके के स्नैक्स खाने का किसका मन नहीं करता, और अगर ये स्नैक्स रोस्ट करे हुए हो तो कहने क्या। तो चलिए फटाफट से इन स्नैक्स को कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो देख लेते हैं। तो इन्हें रोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इन्हें रोस्ट करने के लिए एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए नमक। फ्लेम को हम बिल्कुल हाई पे ऑन कर देंगे और नमक को गर्म होने के लिए रख देंगे। सो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, जो हमारा पापड़ को रोस्ट करने वाला जो वीडियो है, जो वीडियो का हिस्सा है, उसको मैंने फॉरवर्ड भी नहीं किया है ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये प्रोसेस कितनी जल्दी हो जाता है। तो जब नमक अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये हर तरफ से इक्वली गर्म हो। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ चिप्स। चिप्स डालने के बाद हम इसको इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम इस समय भी हाई पे ही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिप्स को डालते ही ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं, और ये बिल्कुल सेकंड्स के अंदर जादू की तरह बिल्कुल परफेक्टली फूल करके तैयार हो जाएंगे, परफेक्टली भुन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भुन चुके हैं। तो अब हम अपनी कड़छी ले आएंगे और इन सभी चिप्स को कड़छी से छान करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि चिप्स, पापड़, फ्राइंग्स, जो भी आपको रोस्ट करना है बिल्कुल हाई फ्लेम पे करिएगा, जल्दी काम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप स्लो फ्लेम पे करेंगे तो जो नमक है वो इसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से चिपक जाता है और वो झड़ता भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से फ्राइंग्स डाल दिए हैं, इस समय भी फ्लेम हाई पे ही है, और हम इसको इसी तरीके से लगातार मिक्स करते रहेंगे, और आप देखेंगे बिल्कुल तुरंत ही हमारे जो फ्राइंग्स हैं वो फूल जाएंगे और अच्छे से रोस्ट होकर के तैयार हो जाएंगे। तो इनको रोस्ट करने का जो प्रोसेस है ये वही वाला प्रोसेस है जो हमारे ठेले वाले भैया जो करते हैं, उनके पास एक बड़ी सी आयरन की कढ़ाई होती है और उसमें नमक होता है, क्योंकि वो नमक बहुत बार यूज़ कर चुके होते हैं तो उनका जो नमक है वो भी हल्का भूरा या काले रंग का हो चुका होता है। तो यहाँ पे हमारे स्टार वाले फ्राइंग्स तो अच्छे से भुन ही चुके हैं, और अब हमने इसमें डाल दिए हैं ये फिश वाले डिज़ाइन के फ्राइंग्स। ये थोड़े से मोटे होते हैं तो इन्हें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी जल्दी ये रोस्ट होकर के तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप फ्राइंग्स को, घर के बने आलू के पापड़, आलू के चिप्स, हर चीज को बिल्कुल परफेक्टली भून सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन करके तैयार होंगे, आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, और ये बहुत अच्छे से फूलते भी हैं और इसके जलने का भी डर नहीं होता है। तो इन्हें भी हम अच्छे से इस तरीके से झाड़ करके निकाल लेंगे। जब हम तेल में तलते हैं तो हम तेल को निकाल देते हैं कड़छी को हल्का सा टेढ़ा करके, और जब हम इनको भूनते हैं नमक में तो कड़छी को हल्का सा इस तरीके से हिला दीजिएगा ताकि जो नमक है वो नीचे झड़ जाए। और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे ये लिज्जत पापड़। तो लिज्जत पापड़ को बिल्कुल इसी तरीके से रख दीजिए और गरम गरम नमक इसके ऊपर भी डाल दीजिए। अब देखिए हमने इसको पलट दिया है। इन पापड़ों को जब हम डायरेक्टली गैस के ऊपर सेकते हैं तो उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, या फिर अगर हम उसको तलते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और तवे पे अगर हम इसको रोस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा जो पापड़ है वो रोस्ट होता चला जा रहा है और इसके ऊपर कोई भी ब्लैक स्पॉट भी नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों अब ये जो हमारा पापड़ है ये बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास सिक करके तैयार हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं, और ये नमक जो बच गया कढ़ाई में, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख करके स्टोर कर लेंगे ताकि जब आगे भी हमें कोई भी चीज़ भूननी हो तब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी स्नैक्स भुन करके तैयार हो चुके हैं, तल करके नहीं भुन करके। तो ये काफ़ी हेल्दी भी हैं और एकदम बढ़िया चटपटे भी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी दोस्तों कि इन स्नैक्स को सर्व करने से पहले एक बार फिर से हल्का सा झाड़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर हल्का हल्का नमक आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं चिपकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑयल नहीं है, मगर हल्का हल्का आ जाता है। तो उसको हल्का सा अगर आप झाड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है।
उम्मीद है आपको मेरा आज का ये हेल्दी और बिल्कुल अलग सा वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।